हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को तीन बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। इनके अंदर भी सब टाइप्स हैं, तो हम एक एक को उठाएंगे और उनके अंदर की जो सब टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। तो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम क्या उसे इन्फोर्स करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, क्या हम एक पार्टी को स्यू कर सकते हैं अगर वो अपनी पार्ट की ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास सिक्स टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल या फिर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स और अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारे पास सिक्स टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हमें इनको वन बाय वन स्टडी करना है। सबसे फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर, अभी हमने सेक्शन 10 में देखा एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनके अंदर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। तो अभी जितने सारे देखे वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट वन इज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड करने लायक है लेकिन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस वजह से बना था, क्योंकि यहाँ पे कोर्जन था, मेरे ऊपर मेरे सर पे बंदूक रख के तानी गई थी, मुझे बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो नहीं तो मैं शूट कर दूंगी। तो माई कंसेंट वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन, या फिर मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, या फिर फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, सामने वाली पार्टी ने मुझे झूठ बोला था, इस वजह से मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अगर वो मुझसे झूठ नहीं बोलता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करती। उसने बोला ना कि यहाँ पे बच्चे नहीं रहते इस घर में, तभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मुझे पता होता इस घर के नीचे वाले घर में बच्चे रहते हैं तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती। या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, उसने गलती से झूठ बोला, उसे पता ही नहीं था मैंने उसे शर्ट क्यों परचेज़ किया था, क्योंकि उसका रंग नहीं जाएगा, मुझे ऐसा बोला गया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे झूठ बोला, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ। यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे अग्रीव पार्टी, यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है, अग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकती है और वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्किंग भी कर सकती है, यानी कि उसे कैंसिल भी कर सकती है। सो वॉइडेबल है। वॉइड हमने बोला नहीं, हमने बोला अग्रीव पार्टी पे छोड़ दिया कि तुम अगर इन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहते हो तो वैलिड रख सकते हो, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, नहीं नहीं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है तो तुम ख़त्म भी कर सकते हो। सो कोर्ट जो है वो वॉइड अग्रीव पार्टी के ऊपर फैसला छोड़ देती है कि तुम जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, तुम चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं ख़त्म कर देंगे और तुम्हारा जो भी लॉस हुआ है वो सामने वाली पार्टी कॉम्पेंसेट करेगी, और अगर तुम चाहते हो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना तो अब से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तुम्हें जो पैसा मिल गया ठीक है, जो भी तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन थी वो दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करेंगी। सो दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट दैट आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। नेक्स्ट है वॉइड अग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है वॉइड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है, हमें पता है जब हम ऑफर देते हैं और उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है तो हम उसे अग्रीमेंट बोलते हैं। तो वॉइड अग्रीमेंट वो वाले अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि void ab initio है। void ab initio मतलब they are void from the very beginning, यानी कि उनका कोई existence ही नहीं है, ऐसे contract जो कि null and void है from the very beginning। तो यहाँ पे हम term का use करते हैं void ab initio। void ab initio मतलब void from the very beginning, तो starting से ही वो void है। अब वो void क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें या तो एक या फिर एक से ज़्यादा जो हमारे essential elements हैं वो present नहीं है। तो क्या हो सकता है कि जो हमारा object है वो unlawful है, आपने स्मगलिंग करने के लिए घर मेरा रेंट पे लिया है, या फिर आपने जो है मेरा कंसेंट जो है वो फ्री नहीं था, या फिर जो हमारा कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, मैंने बोला उसको शूट कर दो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, तो यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया। कोई इलीगल काम करने के लिए दिया है आपने, तो अगर हमारा कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होता है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है वो वॉइड अग्रीमेंट होता है, क्योंकि वो कभी फॉर्म हो ही नहीं पाया। आप अगर कोर्ट चले जाओगे तो कोर्ट में आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा एसेंशियल एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हो सकता है वो। सो दीज आर द वॉइड अग्रीमेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है वेजरिंग अग्रीमेंट।
वेजरिंग अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं जो उनमें सट्टा लगाया जाता है। तो अगर आपने कोई सट्टेबाजी के लिए आप अपने अग्रीमेंट किया है या फिर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, तो अभी हमने पीछे देखा था किसी को ये बोलना कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, या फिर किसी को बोलना कि तुमने दिल्ली में काम नहीं करना, तो ऐसे अग्रीमेंट्स जो होते हैं ये वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, अभी जैसा मैंने बोला कि ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आपने मेरा घर रेंट पे लिया है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या था, ड्रग्स को स्मगलिंग करना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज इल्लीगल अनलॉफुल। तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट बनेगा वो वॉइड अग्रीमेंट होगा और आप इसे कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते। नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पीछे हमने पढ़ा था वॉइड अग्रीमेंट, यानी कि वो अग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाए। यहाँ पे वर्ड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब वॉइड है लेकिन जब हमने बनाए थे उस टाइम पे वो वैलिड थे, तो वो बोलते हैं हम उन्हें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वर वेल वैलिड बट नाउ अनइन्फोर्सेबल, लेकिन अब वो क्या है, अब वो वॉइड हो गए हैं। क्यों अब वॉइड हो गए हैं, बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि आप मुझे जो है वो वीट सप्लाई करोगे, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं आपको वीट सप्लाई करूंगी, तो जितना भी था क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वो वैलिड था, वीट सप्लाई करना इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप प्राइवेटली वीट को सेल करते हो तो वो इल्लीगल काम है और जो भी ये करेगा उसे हम जेल में डाल देंगे। सो दैट मीन्स कि अब आपके लिए अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। अगर आपने मुझे वीट सप्लाई किया तो आपको जेल हो जाएगी। सो नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल। तो इन दैट केस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हमने बनाया था वो वैलिड था, बट किसी वजह से अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया है, अब हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हो सकता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कैसे हो गई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, तुम ए से शादी कर लो। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तुमने बोला ठीक है मैं 2 महीने बाद उससे शादी कर लूंगा, तो उसके साथ आपने की शादी करने से पहले ही क्या हुआ कि ए जो है उसकी डेथ हो गई। तो ए की डेथ हो चुकी है, अब आप उससे शादी नहीं कर सकते, 2 महीने के अंदर अंदर ए की डेथ हो गई, तो क्या आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, यानी कि एक ऐसी चीज़ हो गई जो कि इम्पॉसिबल कर दिया उसने हमारी परफॉर्मेंस को, तो इसे हम बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो अब आप अपना जो काम है आप उसे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो ये हो गया हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी ड्यू टू द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। तो ये होता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इल्लीगल या फिर अनलॉफुल अग्रीमेंट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका या तो ऑब्जेक्ट यानी कि जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट करने का या फिर कंसिड्रेशन वो अनलॉफुल है या फिर वो इल्लीगल है या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी के साथ जो कि इल्लीगल है अनलॉफुल है, तो हमारा वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, बिल्कुल नल है इन द आईज ऑफ लॉ। आप परफॉर्म करना चाहते हैं आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी पार्टी कोर्ट में जाती है तो इन दैट केस कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि इल्लीगल या फिर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड एब इनिशियो। तो कानून की नज़र में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखते, दीज आर नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और आप इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है अग्रीमेंट टू मर्डर, आपने किसी को मर्डर करने के लिए किसी के साथ अग्रीमेंट किया है, या फिर रॉबरी करने के लिए कि उसके घर में चोरी करके आनी है, या फिर किसी को असॉल्ट करना है आपने उसको इंजरी देनी है, तो ये सारे इल्लीगल अग्रीमेंट होते हैं। तो अगर मैंने आपको 10 लाख रुपीज़ दिए कि जाओ उसको मर्डर करके आ जाओ और आपने उसका मर्डर नहीं किया, तो मैं कोर्ट नहीं जा सकती कि सर देखना ये मर्डर नहीं कर रहा, मैंने इसको 10 लाख रुपीज़ दिए हैं, इसे कहो मेरे 10 लाख रुपीज़ वापस करें। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये वॉइड एब इनिशियो है, तो सबसे पहले मुझे ही पकड़ लिया जाएगा कि तुमने ऐसा अग्रीमेंट क्यों बनाया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप किसी को हार्म कर रहे हो, किसी को इंजरी दे रहे हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इल्लीगल है अनलॉफुल है या फिर पब्लिक पॉलिसी की अपोज है, इन्हें हम कहते हैं इल्लीगल या फिर अनलॉफुल। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है, गिविंग जॉब फॉर अ ब्राइब ऑफ ₹10 लाख इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि मैं आपको 10 लाख रुपीज़ दूंगी और आप मुझे एक जॉब दिलवा दोगे, तो यानी कि मैंने आपको ब्राइबरी दी है, मैंने आपको रिश्वत दी है, तो रिश्वत देना भी गलत चीज़ है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे सीधा जॉब दे दिया गया, तो यानी कि आपने पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ काम किया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स जो होते हैं ये हमारे इल्लीगल होते हैं या फिर अनलॉफुल अग्रीमेंट्स होते हैं।
लास्ट है हमारा अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि वैलिड तो है लेकिन आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो बना है वो वैलिड है लेकिन वो किसी वजह से आप अगर कोर्ट जाते हैं तो आप उसे इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था लेकिन वो रजिस्टर नहीं कराया, या फिर उसको प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है, या फिर टाइम बार डेट्स होते हैं। टाइम बार डेट्स होते हैं जिनसे कि हमारा जो लिमिटेशन एक्ट होता है उसमें स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है उधार पे तो आप 3 साल के अंदर अंदर आप उसे रिकवर कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू, लेकिन 3 साल के बाद आप कोर्ट में जाके उससे पैसा नहीं वसूल सकते। तो मैंने आपको लोन दिया 2015 में, तो 2018 तक मैं आपसे रिकवर करने का मेरे पास राइट है, और अगर आप मुझे नहीं पे करेंगे तो आई कैन गो टू द कोर्ट। लेकिन अगर आपने मुझे 2018 भी निकल चुका है और अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 3 साल के बाद आप कोर्ट में जाके अपना पैसे को रिकवर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ टाइम बार डेट, ऐसा डेट जिसका टाइम निकल चुका है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे चेक। अगर मैं किसी को चेक देती हूँ वो 3 महीने तक वैलिड होता है, तो अगर आप 3 महीने तक आप उस मेरे चेक से पैसा निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया तो आप कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट उसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। कोर्ट कहेगा कि तुम्हें नहीं पता 3 महीने तक वैलिड होता है, तुम 3 महीने तक क्या कर रहे थे। तो 3 महीने के बाद कोर्ट हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, एंड दीज आर अनइन्फोर्सिएबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, कि हमने किस तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम तीनों कॉन्ट्रैक्ट को 1 by 1 स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो ऑफर या फिर हमारा जो एक्सेप्टेंस होता है वो या तो आपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है, ओरल भी हो सकते हैं या फिर रिटर्न भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको फ़ोन करके बोला कि मैं आपको अपनी वॉच जो है वो सेल करना चाहती हूँ 5,000 रुपीज़ में, तो मैंने अपना ऑफर जो है वो आपको एक्सप्रेस किया इन वर्ड्स। तो वर्ड्स कैसे थे? ओरल वर्ड्स थे, तो यानी कि ये हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली मैंने आपको एक लेटर भेजा या आपको मेल भेजा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने ऑफर को या फिर अपनी एक्सेप्टेंस को, तो हम उन्हें बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सप्रेस नहीं है वर्ड्स में लेकिन हमारे एक्ट की वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारे कंडक्ट की वजह से सामने वाले को पता चलते हैं कि हम या तो उनको ऑफर दे रहे हैं या फिर हमें पता चलता है कि सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि बस आके रुकती है बस स्टैंड पर, तो बस आके जब हमारे सामने बस स्टैंड पर रुकती है तो वो अपनी सर्विस हमें ऑफर कर रही है, और जब हम उनकी बस में चढ़ जाते हैं तो मतलब कि हमने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपने ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस नहीं किया लेकिन उनके एक्ट की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं। तो अगर आप बस में सफ़र करके आप बस को पे नहीं करेंगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आप मान लीजिए कि ए जो है वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है अपने लगेज के साथ, और एक कूली आता है और उसका सामान उठा के चल जाता है, और ए जो है उसको स्टॉप नहीं कर रहा कि रुको रुको मेरा लगेज कहाँ लेके जा रहे हो, तो ए भी उसको रोकता नहीं है। तो कूली ने आके अपनी सर्विस ऑफर की, आपका लगेज उठा के वो चलने लगा, और ए ने भी उसको स्टॉप नहीं किया, मतलब ए ने भी अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। तो यानी कि जब कूली आपका सामान रखेगा तो ए जो है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर की थी, इम्प्लाइडली उसने ऑफर की थी, और ए ने भी उसको मना ना करके उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे ए इज बाउंड टू पे कूली, तो वो कूली को पे करेगा, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो एक्सेप्टेंस नहीं दिया। उसके एक्ट की वजह से, उसके बिहेवियर से हमें समझ में आता है कि ए ने उसकी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया है। सो ऑल दीज आर द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे, लेकिन लॉ उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनके ऊपर एक लायबिलिटी लगा देता है कि अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड, अगर आपको किसी के गुड्स मिलते हैं, कोई अपने गुड्स भूल गया है और आपको उसके गुड्स मिलते हैं, तो उन गुड्स को आप अपना ट्रीट नहीं कर सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके ट्रू ओनर को फाइंड करें और उसको उसके गुड्स को हैंड ओवर करें। सो दीज आर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
आपने उसके साथ फॉर्म नहीं किया कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपको नहीं पता उसका ओनर कौन है, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हु इज़ द ट्रू ओनर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। आप उसे ढूंढेंगे और आप उसको उसके गुड्स हैंड ओवर करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल होता है मनी पेड बाय मिस्टेक। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको मनी जो था वो मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर रही थी, किसी और को पेटीएम कर रही थी, लेकिन गलती से मैंने आपको पेटीएम कर दिया, तो इन दैट केस मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैं आपके साथ कोई मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करना चाहते, लेकिन आप ऑब्लिगेशन है क्योंकि लॉ आपके ऊपर लगाता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ बाय मिस्टेक रिसीव होती है तो आप उसे रख नहीं सकते, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्पेंसेट दी अदर पार्टी फॉर द लॉस। तो मेरा जो पैसा मैंने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है गलती से, आप मुझे उसको रिटर्न बैक करवाएंगे। सो दैट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हमारी इंटेंशन नहीं थी अपने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना, लेकिन हम गलती से एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉ। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस की बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी के अंदर दो टाइप्स के और आते हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब इनको एक बार वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे वर्ड है एग्जीक्यूटेड, ऐसी चीज़ जो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि जब पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो दोनों की दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर चुकी हैं, तो हम बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूटेड हो चुका है, सो इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि मैं आपको अपनी वॉच सेल करूँगी 5,000 रुपीज़ में, आपने अग्री किया, मैंने आपको अपनी वॉच जो है वो सेंड कर दी, आपने मुझे पैसे सेंड कर दिए, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड, बिकॉज बोथ द पार्टीज हैज़ परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। हम दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया, तो ये हो जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वर्ड है एग्जीक्यूटरी, यानी कि अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है लेकिन परफॉर्म करना है, या तो एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया या फिर दोनों ही पार्टीज़ ने अपना अपना जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म नहीं किया, तो इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। अभी दोनों पार्टीज़ ने परफॉर्म करना है या फिर किसी एक ने परफॉर्म करना है, अगर दोनों परफॉर्म कर लेती तो एग्जीक्यूटेड हो जाता, अब या तो एक ने नहीं किया या फिर दोनों ने ही ने नहीं किया। फर्स्ट वन है इसमें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो जब सिंगल पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया, तो उसे हम बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि जे ओनली वन पार्टी ऑब्लिगेशन रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपनी वॉच जो है वो सेंड कर दी, आपको मैंने कुरियर कर दी अपनी वॉच, लेकिन अभी तक आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो सिर्फ आपकी तरफ से अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म होनी है, मैंने तो अपनी परफॉर्म कर दी, तो ये हो गया यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, आपने परफॉर्म करना है, मेरी तरफ से परफॉर्म हो चुकी है। सेकेंड होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बाय मतलब दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन अभी परफॉर्म करनी है, तो जब दोनों पार्टीज़ की तरफ से रहती है परफॉर्मेंस होना, तो उसे हम बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने ही परफॉर्म नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि मैं आपको अपना घर सेल करूंगी 10 लाख रुपीज़ में और आप मुझे 1 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट दोगे, तो आपने मुझे अभी तक सिर्फ 1 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट दिया है, तो आपने मुझे क्या करना है, अभी 9 लाख रुपीज़ और देने हैं, तो आपने अभी अपनी ऑब्लिगेशन अभी पूरी नहीं की। सिमिलरली मैंने आपको अभी अपने घर का पोजेशन दे दिया लेकिन अभी तक सेल डीड रजिस्टर नहीं कराई, तो यानी कि मुझे भी अभी सेल डीड रजिस्टर करानी है, तो यानी कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। जब तक मैं आपको जब तक मैं आपको घर नाम नहीं कर दूँगी तब तक आपकी घर ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो यानी कि दोनों पार्टीज जब अपनी अपनी परफॉर्मेंस में कुछ शेयर है जो रहता है, तो उसे हम बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने ही अभी कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।